Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. क्या उम्र है? पता नहीं, शायद 10 साल। और यहाँ कहाँ रहते हो? मढ़ैया में। इतनी दूर? जी। कहाँ के रहने वाले हो? अलीगढ़ के। पिताजी क्या करते हैं? बेलदार हैं। पढ़ाई करते हो? नहीं। और अम्मा क्या करती है? कुछ नहीं करती, घर पर रहती हैं। ये इतनी भारी लकड़ियों को अपने सर पे रख के कहाँ ले जा रहे हो? कल से घर में खाना नहीं बनाने। तो क्या गैस नहीं है? नहीं, इनको जलाकर खाना बनाएंगे। क्या लगा आपको, किसी स्कूल टीचर और किसी बच्चे के बीच बातचीत, या फिर किसी नुक्कड़ नाटक के कुछ संवाद? नहीं, इन दोनों जवाबों में कोई सा भी सच नहीं है। और जो सच है, तो ये बातचीत उन दो मासूम बच्चों से है, जिनको आज 1 सितंबर को सुबह सुबह ग्रेटर नोएडा के एक रिहायशी कॉलोनी में बिल्कुल सुनसान सड़क के किनारे जंगल से बहुत सारी लकड़ियों का बोझ उठाते देखकर हमारे कदम रुक गए थे। पूछने पर जो सच्चाई सामने आई, उसने एकाएक हमको आजादी के बाद देश के हालात की याद दिला दी। याद आई 1950 में जौनपुर जिले में गरीबी से एक मुलाकात। दो औरतें हमारे घर के आगे से जा रही थी, वो आपस में मिली, बोली एक दूसरे से, ए बहनी, का पहरे का ओढ़े। उन दोनों औरतों की ये बात आज भी दिल और दिमाग से नहीं निकल पाती है। वो नंगे पैर थीं और उनके पास सिवाय एक कपड़े के और कुछ भी पहनने को नहीं था। और उसके बाद एक सवाल उठा मन में, देश में इतनी तरक्की के बावजूद भी बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए क्यों अभी भी कुछ नहीं बदला है? अच्छे बसे बड़े शहर में विकास के सारे दावे टूटे कांच की तरह बिखर गए। एक तरफ तो हम देश की आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, और पलक झपकते ही मन को झकझोरने वाली इस हकीकत से रूबरू भी होना पड़ता है। 1950 में जो तस्वीर देखी गई थी, वो आज 75 साल के बाद भी क्यों दिखाई देती है? किस अधिकार से और किन कारण से इन 75 सालों के बाद भी हमारे कुछ देशवासियों को फटे पुराने कपड़ों में जंगल से लकड़ियां बीनकर खाना बनाना पड़ता है? हम सबने तो इसी तस्वीर और इन्हीं हालात को बदलने के लिए बराबर टैक्स के रूप में अपने पैसे और पूरा योगदान दिया है। फिर वो पैसे कहाँ गए? कौन बताएगा हमें? क्या इन 75 सालों में देश का विकास और अधिक नहीं हो सकता था? और जितना भी हुआ, उसमें आज भी इनकी ये हालत क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किससे पूछें ये सवाल, और कौन देगा इसका जवाब? जानते हैं, जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जवाब भी हम सबको मालूम है। अपने संविधान में किए गए वादों के साथ साथ
अगर चुनी हुई सरकारों की वैधानिक जिम्मेदारी को भी वचनबद्ध कर दिया होता तो शायद आज के भारत की तस्वीर बिल्कुल फर्क होती। और ये आज भी हो सकता है, मगर ये सब पता होने के बावजूद भी ना कोई सवाल ना कोई जवाब मिलने के जिम्मेदार हम सब ही हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हम कभी भी राजा से सवाल नहीं पूछते। शायद सवाल नहीं पूछे तभी तो ये तस्वीर और ये हालात आज भी देखने को मिलते हैं।